हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। काफ़ी महीनों बाद डिस्ट्रीब्यूटर से बिजनेस पे ये वीडियो बनाने वाले हैं, क्योंकि जैसे कि थंबनेल में आपने देखा कि कोका कोला पेप्सी का डिस्ट्रीब्यूटर आप कैसे बनेंगे, कैसे आप डिस्ट्रीब्यूटर बनके अपने नज़दीक के होलसेलर जो रिटेलर होते हैं, जो दुकान वाले होते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बेचते हैं, उनको आप सप्लाई करके बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि ये बिज़नेस बहुत ज़्यादा चलता है, क्योंकि अब गर्मी आ गई है। अब पूरा गर्मी से लेके ठंडी तक ये बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है, काफ़ी अच्छी प्रॉफिट जनरेट करता है। वो भी उस कंपनी का आपको बेचना है या डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना है जो कि ब्रांड है, जैसे कि पेप्सी और कोका कोला। अच्छा, इसके बहुत यही दो कंपनी है जो सबसे ज़्यादा सेल करती है। चाहे आप माउंटेन ड्यू की बात करें, चाहे स्प्राइट की बात करें, चाहे पेप्सी की बात करें, चाहे थम्सअप की बात करें, चाहे माजा की बात करें, ठीक है, बहुत सारे पानी भी आते हैं। तो यही दो कंपनी ऐसे हैं जो सारे, मतलब जो भी कोल्ड ड्रिंक आप देखते होंगे जो मार्केट में सबसे धुआंधार बिकती होगी, तो यही दो कंपनी है, ठीक है। तो इन दोनों का, मतलब दोनों में से किसी एक का ही मिलेगा, ठीक है, लेकिन हमने दोनों का जोड़ दिया क्योंकि दोनों का प्रोसेस लगभग सेम है, सिर्फ कंपनी अलग अलग है, ठीक है। मतलब इसमें क्या आपको जानना है कि इस तरीके का डीलरशिप अगर आप लेना चाहते हैं पेप्सी का या कोको कोला का, तो आपको क्या लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, कितना इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करेंगे, बिजनेस में कितनी प्रॉफिट होता है, कितना आपका इन्वेस्टमेंट स्टॉक में लगाना पड़ेगा, ओवरऑल हम कितना कमा सकते हैं, उस बिजनेस को करते कैसे, यही सारी टॉपिक पे हम आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप इस तरीके का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अब दोस्तों, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे पहला क्या क्या रिक्वायरमेंट आपको चाहिए, क्या क्या चीज आपको चाहिए इस बिजनेस को शुरू करने से पहले, ठीक है। तो सबसे पहले आपका एक अच्छा गोडाउन होना चाहिए, चाहे आप उसी गोडाउन में ऑफिस भी खोल लें या अलग से रखें, ठीक है, यानी गोडाउन ऑफिस आपके पास होना चाहिए। गोडाउन क्योंकि लंबा स्टॉक होता है, तो कम से कम 1500 से 4000 स्क्वायर फीट का आपका गोडाउन होना चाहिए, ठीक है, जो कि कंपनी क्लेम भी करती है कि, मतलब कंपनी का ये नियम है कि इतना होना चाहिए, कम से कम 1500 से स्क्वायर फीट से 4000, जितना ज़्यादा हो तो कोई मैटर ही नहीं करता, लेकिन कम से कम 1500 होना चाहिए जहाँ पे आप स्टॉक रख पाए, ठीक है। एक कमर्शियल व्हीकल आपके पास होना चाहिए, भाई आप डिस्ट्रीब्यूटर का काम करेंगे, आपके पास स्टॉक होगा तो स्टॉक पहुँचाएंगे कैसे, ठीक है, तो आपके पास कमर्शियल व्हीकल होना चाहिए, ठीक है। तीसरा चीज है दोस्तों मैन पावर। मैन पावर भाई देखिए, मैन पावर कहाँ कहाँ लगता है। अब जैसे कि कोई आदमी अकाउंट आपका देखेगा, यानी जो कंप्यूटर से लेके आपका बिल काटेगा, बिल देखेगा, वो सारा चीज़ें, ठीक है। मार्केटिंग का बंदा होना चाहिए जो आपके बिजनेस की मार्केटिंग कर सके, ठीक है, हालांकि कंपनी भी रखती है, आप भी रख सकते हैं। एक ड्राइवर होगा जो आपका व्हीकल चलाएगा, हेल्पर, ठीक है, लोडर वगैरह चाहिए जो कि भाई सामान उतारेगा, क्योंकि हर बार हर एक, मान के चलिए हर एक अंतराल दिन अंतराल पे आपका कोई ना कोई ट्रक आपका खड़ा रहेगा, तो माल, क्योंकि वजन होता है, तो माल उतारना, फिर मैजिक पे लादना, फिर जाके दुकानों पे उतारना, तो इसके लिए आपको कम से कम 3-4 लोगों की आवश्यकता होगी, ठीक है, इतना आपको करना पड़ेगा। अच्छा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या खर्चे होंगे, जैसे कि जहाँ पे आप ऑफिस बनाएंगे, कंप्यूटर, बिल से लेके प्रिंटर, सीसीटीवी कैमरा, इन्वर्टर, टेबल, चेयर, ये सारी चीज़ें लगाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो आप करेंगे, इसमें जो आपका इन्वेस्टमेंट आएगा वो 80 से 1 लाख रुपए आएगा, जहाँ पे आप ऑफिस बैठने उठने का, और जो सारी चीज़ें आपका चेयर हो गया, काउंटर हो गया भाई, ठीक है, हो सकता है छोटा मोटा रैक भी रख दे, कुछ प्रोडक्ट डिस्प्ले कर दें, ठीक है, दिखाने के लिए। इसके बाद इन्वर्टर होगा, इसके बाद सीसीटीवी होगा, प्रिंटर होगा, ये सारी चीज़ें, इंटरनेट वगैरह कनेक्शन लगाएंगे, ठीक है। तो ये सब 1-1.5 लाख रुपया भी मांग सकते हैं भाई, आप किस तरीके का करना चाहते हैं, काम चलाऊँ है या बहुत अच्छी करना चाहते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो वो इन्वेस्टमेंट इस पे डिपेंड करेगा। अब दूसरा इन्वेस्टमेंट है दोस्तों सिक्योरिटी डिपॉजिट। कंपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट लेती है जो कम से कम 5 लाख रुपए होता है, ठीक है, 5 लाख रुपए कंपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट लेती है जब इस तरीके की एजेंसी आप लेते हैं। इसके बाद व्हीकल में जो खर्चा होता है कमर्शियल वैन में, वो 6 से 8, अब किस तरीके की आप लेते हैं, फाइनेंस कराएंगे, जाहिर सी बात है तो बहुत कम हो जाएगा, हालांकि मैंने पूरा उसका प्राइस ही जोड़ दिया, 6 से 8 लाख रुपए में लगभग हर कमर्शियल व्हीकल आ जाता है। तो अगर आप भाई उसे फाइनेंस कराते हैं तो 1 लाख रुपए में फाइनेंस करा लेंगे, ठीक है, तो वो जाके बाद में आपका अमाउंट घट जाएगा, या आपके पास सेकंड हैंड है तो सेकंड हैंड मतलब कहीं से खरीद सकते हैं, शुरुआत में यही कर सकते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ करना पड़ेगा। अब चौथा चीज़ है दोस्तों स्टॉक। स्टॉक में जो आपका खर्चा होगा वो 10 से 15 लाख होगा, डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी का ले रहे हैं, कोको कोला का, पेप्सी का ले रहे हैं, ठीक है, इस पे डिपेंड करेगा कि भाई किसका, किस एरिया में ले रहे हैं, उस एरिया में पहले से कितना सेल है, ठीक है। कंपनी भाई ऐसा तो है नहीं कि आप पहले नए होंगे, पहले से भी कोई कर रहा होगा, कोई छोड़ेगा तभी आपको मिलेगा, ठीक है, तो या फिर कोई नई एरिया में कंपनी बनाना चाहती हो कि भाई उस एरिया में नहीं सप्लाई अच्छा जा रहा हो, तो उस एरिया में कंपनी बनाती है, हालांकि एरिया बहुत कम खाली होता है, इसमें बड़ा जुगाड़ वगैरह भी लगाना पड़ता है, ठीक है, तो मिल ही जाता है। तो डिपेंड करता है कि उस एरिया में कितनी सेल है, किस जगह पे है, उस पे स्टॉक पे कितना आप खरीदेंगे, ठीक।
इसके बाद पांचवा जो है वो वर्किंग कैपिटल, भाई 5 से 8 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जो स्टॉक कम हो गया उसको आपको मंगाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप पूरा पैसा बेच के पूरा खाली कर लेंगे, जैसे आपने 10 लाख का स्टॉक मंगाया, 10 लाख का बेच लेंगे तब 10 लाख लगाए, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि होता है ना कि कोई कोई चीज स्टॉक आपका जल्दी खत्म हो जाएगा, तो 2-4 लाख रुपए 5 लाख रुपए आपको फिर से लगाना पड़ेगा स्टॉक के लिए। ठीक है, तब तक 10-5 लाख रुपए का और बिक जाएगा, तो मतलब कुल मिला जुला के जो स्टॉक जो सामान खरीदने में आपका पैसा लगेगा वो 10 से 15 लाख 20 लाख रुपए भी हो सकता है। यानी कुल ऑनवरेज अगर हम इन्वेस्टमेंट इसमें बात करें जितना हमने बनाया, तो कम से कम 25 से 30 लाख रुपए आपका खर्चा होगा हर चीज का। ठीक है, मोटे तौर पे मैंने बता दिया। ठीक है, अब ये डिपेंड करेगा कि आप कितना ज्यादा से ज्यादा मंगा रहे हैं या कम से कम में कितना वो कंपनी से बातचीत करके आप शुरू कर सकते हैं। अच्छा, इसमें शुरू करने के लिए जो लाइसेंस चाहिए, हालांकि इसको हम लोग को पहले ही रखना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, जो इसमें लाइसेंस चाहिए वो फूड लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस, जीएसटी लाइसेंस, 3 लाइसेंस से आप बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें बात आती है दोस्तों प्रॉफिट मार्जिन की, भाई इतना सब कुछ करने के बाद, इतना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद प्रॉफिट मार्जिन कितनी होती है इस बिजनेस में। ठीक है, देखिए बिजनेस नो डाउट बहुत अच्छा है, सेल्स की बहुत ज़्यादा होती है तो प्रॉफिट होगी, लेकिन जो कंपनी क्लेम करती है, कंपनी आपको देती है, वो 10 से 15% देती है। ठीक है, अब एक डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ कहाँ माल बेचता है, भाई होलसेलर को बेचेगा और रिटेलर को बेचेगा। जैसे एक होलसेलर होता है वो पूरा चीज़ आपसे बहुत ज़्यादा ज़्यादा स्टॉक मिलेगा तो उसको आप कम मार्जिन रख के देंगे, यानी कंपनी अगर 10% आपको दे रही है तो कोई होलसेलर ज़्यादा स्टॉक ले रहा है तो उसको भी 2-3% अपने में से लोग लेस करके दे देते हैं, क्योंकि वो किसी और से ना ले ले, किसी और एरिया से ना उठा ले। इस वजह से भाई कंपटीशन है ना इस बिजनेस में, क्योंकि सेल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बिकना ही बिकना है वो प्रोडक्ट, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, तो कंपनी जितना कहती है उससे भी कम प्रॉफिट होता है। यानी मान के चलिए कि अगर आप होलसेलर को दे रहे हैं तो 5-6% मार्जिन आप लेंगे, लेकिन ये है कि भाई वो क्योंकि बल्क में लेगा, हमेशा लेगा, तो आपको लगेगा चलो यार 10% की जगह हम 6% ही मिले, लेकिन सेल हो जाए। ठीक है, वहीं आप अगर रिटेलर को देंगे तो 10-12% की मार्जिन रख सकते हैं। अब रिटेलर भी कई तरह के होते हैं, कुछ रिटेलर थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेते हैं, कुछ रिटेल ऐसे होते हैं जहाँ पे सेल बहुत ज़्यादा, जैसे ढाबा वगैरह सेल बहुत ज़्यादा है तो रिटेलर फुटकर ही बेचेंगे, लेकिन क्योंकि सेल बहुत ज़्यादा है वहाँ पब्लिक बहुत ज़्यादा आती है। कुछ दुकानें आप देखते होंगे बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक बिकती है, ठीक है, तो वो थोड़ा होलसेलर के टक्कर में ही माल खरीदते हैं तो उनको भी लेस चाहिए। तो कुल मिला जुला के जो ऑनवरेज आपकी जो प्रॉफिट मार्जिन निकलेगी वो 5 से 6% से ज़्यादा आप नहीं बचा पाएंगे। अच्छा, उसमें आपके पूरा खर्चा, मैन पावर का खर्चा, कमर्शियल वैन का खर्चा, बिजली बिल उल जो भी है, सब उसी प्रॉफिट में आपको करना पड़ेगा। लेकिन ये कि सेल बहुत ज़्यादा है, जैसे कि महीने में आप 20 लाख 25 लाख 30 लाख 40 लाख का भी सेल कर सकते हैं, 50 लाख का भी कर सकते हैं, 1-1 करोड़ का भी लोग कर देते हैं। ठीक है, महीना डेढ़ महीना में, तो उस हिसाब से अगर 5% भी अगर आप जोड़ेंगे तो कितना पैसा आप महीने में कमा रहे हैं। ऑन एवरेज अगर मोटे तौर पर हम बताएं आपको, तो कम से कम भाई देखो 40,000 से 1 लाख रुपये आप आराम से कमा सकते हैं, 1-2 लाख रुपये भी लोग कमा रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं परिचय के जो मतलब हर महीने में 1-1 लाख 50-50 हज़ार रुपये बचा भी दे रहे हैं। अच्छा, इस बिजनेस में नुकसान भी होता है, कुछ एक्सपायरी हो जाती है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट आ जाते हैं जो मार्केट में नहीं होती है, कंपनी आपको भेज दी नहीं बिक पाता है। ठीक है, तो उसको स्कीम उसकी में सेट करके लोग निकाल ही देते हैं। थोड़ा सा पहली बार एकदम नए नए रहेंगे तो कुछ चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कंपनी भी सपोर्ट करती है, कंपनी के भी लोग बराबर मतलब आते जाते रहते हैं, स्टॉक चेक करते रहते हैं, क्या सेल हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, प्रचार बोर्ड होर्डिंग ये सारी चीज़ें अब कंपनी तो जान ही रही है, प्रचार करती है अपने प्रोडक्ट को लेकर। तो प्रोडक्ट तो क्योंकि लोग मांगते हैं कि भाई हमको ड्यू दे दो, हमको पेप्सी दे दो, हमको माजा दे दो, ठीक है, हमको स्लाइस दे दो, इस तरीके के लोग कंपनी तो खुद लोग खुद मांगते हैं, तो आपको इस पर तो खर्चा करना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छी सर्विस देनी है अपने रिटेलर को, अपने जो मतलब होलसेलर है रिटेलर है उनको अच्छी सर्विस देनी है, थोड़ा बहुत क्रेडिट सपोर्ट देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि क्रेडिट सपोर्ट मिलता है तो जैसे 10,000 का कोई प्रोडक्ट भाई लिया आपका सामान, 5,000 रुपये तो हमारा 5,000 क्रेडिट हो गया, लेकिन क्योंकि बिकने वाला है इसलिए पैसा फंसेगा नहीं। तो कोशिश करिए बहुत ज़्यादा क्रेडिट ना करें, क्योंकि कैश का धंधा है, क्योंकि आपका खर्चा बहुत ज़्यादा है तो कैश का जो फ्लो हो वो रेगुलर होना चाहिए, डंप नहीं होना चाहिए कहीं। ठीक है, वो अपने दिमाग से आप कर सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या करना है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी कि अगर इस तरीके का आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप कोको कोला का पेप्सी का लेना चाहते हैं तो इतना बजट लगेगा, ये लाइसेंस होना चाहिए, इतना प्रॉफिट मार्जिन आपके मोटे तौर पर हम यही जानना चाहते हैं। इससे जुड़ा हुआ कोई और भी सवाल है तो आप कमेंट जरूर करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों।